जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, मैं सचिन शोकंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म मानेकशॉ ऑफिसर्स एकेडमी पे। और आज का सवाल ये है कि क्या इन 20 दिन के अंदर एग्जाम क्लियर हो सकता है, क्या हमें इन 20 दिन के अंदर पढ़ना चाहिए और क्या हमें नहीं पढ़ना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन सबके अलावा कि इस एग्जाम को अटेम्प्ट कैसे करना है। अगर हमें अटेम्प्ट करना आता है तो आपके जो मार्क्स बन रहे होंगे वो बूस्ट कर जाएंगे 10-15%। और अगर आपको एग्जाम अटेम्प्ट करना नहीं आता है तो जो आपके मार्क्स आ सकते थे उससे 15-20% आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। तो आज हम अनाउंस करने जा रहे हैं सुपर 20 सीरीज, और इस सीरीज के अंदर हम आपके इन सभी क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। तो क्या है ये सुपर 20 सीरीज? 20 डेज 20 टॉपिक्स। इन 20 दिन के अंदर जो आपके एग्जाम के अंदर बचे हुए हैं हम 20 टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। वो कैसे 20 टॉपिक्स होंगे? दीज आर द सुपर 20 टॉपिक्स। तो प्लान क्या है सर? हम इस वीडियो में वो समझेंगे, PYQs के बारे में कुछ बात करेंगे, कुछ स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे, फिर हमारे लेक्चर को हम समराइज कर देंगे। अब ये बातें करते हैं तो सबसे एक बार पहले यहाँ पे भी नजर मार लेते हैं। अगर आप NGA 2 या CDS 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आपको चाहिए कि आपको स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन आपकी करवाई जाए, 5-6 महीने का एक प्रॉपर बैच हो आपके लिए जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स एक प्लान मैनर के अंदर पढ़ाए जाएं, साथ में SSB के लिए आपको गाइड किया जाए, तो आप हमारे इन प्रोग्राम्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हम ऑनलाइन गाइडेंस भी प्रोवाइड करवाते हैं, ऑनलाइन बैचेस के अंदर आप हमारे एनरोल कर सकते हैं, आप ऑफलाइन क्लासरूम बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बहुत सारी जगह क्या होता है कि आपको एक ही टीचर पढ़ा रहा होता है सारे सब्जेक्ट, तो हो सकता है कि उस एक टीचर की सभी सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज ना हो। तो हम क्या कर रहे हैं, हम आपके लिए हर सब्जेक्ट के लिए अलग फैकल्टी लेके आए हैं, और वो फैकल्टी वो है जिन्हें 15-20 साल पढ़ाने का एक्सपीरियंस है इस एग्जाम का, जिन्हें हजारों आपका एक्सपीरियंस के एग्जाम क्लियर करवाए हैं, ना जाने कितने टॉपर्स निकाले हैं। वो टीचर्स, वो सुपर टीचर्स आपको पढ़ाएंगे अपने इन बैचेस के अंदर। और आपके ऑफलाइन बैचेस कहाँ होते हैं? दिल्ली के अंदर। अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं इन एग्जाम्स के लिए तो आप दिए हुए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी सीट बुक कर सकते हैं। आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट आर दिस सुपर 20 थिंग्स? तो इस सुपर 20 सीरीज में हम 20 टॉपिक्स पढ़ेंगे। वो 20 टॉपिक्स किस सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे वो समझना है। उसके अलावा क्या होगा उन टॉपिक्स में? सर सुपर क्वेश्चंस होंगे। सुपर क्वेश्चंस क्या होता है? सुपर क्वेश्चंस होता है कि आपको एक क्वेश्चन करवाया जाएगा एक टॉपिक से, और उस टॉपिक के उस एक क्वेश्चन की हेल्प से आपका पूरा टॉपिक कवर करवाया जाएगा। जैसे आपका एक क्वेश्चन आता है प्रीएम्बल से रिलेटेड, तो आपसे वो क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके बाद उस पूरे टॉपिक को यानी कि पूरे प्रीएम्बल को आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, समझाया जाएगा, उसमें से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और क्या हो सकते हैं वो आपको बताए जाएंगे। ऐसे ही कुछ सुपर टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हर सब्जेक्ट के, कि ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाली इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें से ज्यादा क्वेश्चन आने हैं तो वो टॉपिक्स हम अलग से आपको पढ़ाएंगे वो। और सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो है वो है सुपर प्रैक्टिस। अब सुपर प्रैक्टिस एक तरह की टेस्ट सीरीज समझ लो या क्वेश्चन सीरीज समझ लो जो आप लोगों के लिए स्टार्ट की जाएगी। और ये स्टार्ट कहाँ की जाएगी? ये स्टार्ट की जाएगी ये वाली आपके टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपके इंग्लिश के और GS के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शुरू हो रही है कल से। अब उन पे प्रॉपर आपको क्वेश्चंस मिला करेंगे, आपको वहां पे आंसर करना होगा जिनका, और आपको अपने मार्क्स पता लगेंगे कि अपनी प्रिपरेशन पता लगेगी कि कितनी है। तो ये एक तरीके से हम सुपर काम करने जा रहे हैं आपके एग्जाम के लिए। इसके अलावा क्या चीजें हैं सर? कौन से सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं हम? हम सबसे पहली चीज तो इंग्लिश कवर करेंगे सर। इंग्लिश हम डेली पढ़ेंगे क्योंकि इंग्लिश इज दैट थिंग जिसकी वजह से हम मार्क्स बहुत ज्यादा ला सकते हैं। हमारा जो कट ऑफ वाला सीन है ना वो तो इसी से पास हो जाता है, इसके हम बहुत करीब पहुंच जाते हैं। और GS से क्या होगा, हम मेरिट में जाएंगे, तो हम इसको भी ध्यान में रखेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम एक ही सब्जेक्ट के पीछे पड़े हुए हैं कि इंग्लिश में 90 ला दो सर, इसमें 20 ले आएंगे हो गया काम, ऐसी हरकतें हम नहीं करेंगे। इसमें सर हमारे 75 आ जाएं वी आर हैप्पी, इसमें हमारे 45 आ जाएं वी आर हैप्पी, ठीक है। और
हाउ टू अटेम्प्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। अभी एक वीडियो हमारी आई है कि आपको यूपीएससी ने जारी किया था कि स्टूडेंट या एस्पिरेंट्स एग्जाम करते समय है ना, उसको आंसर शीट के अंदर बबलिंग करते टाइम क्या क्या गलतियां कर देते हैं, ये खुद यूपीएससी ने जारी किया था, तो उसके ऊपर एक वीडियो आपकी आ चुकी है। ऐसे इंग्लिश के ऊपर आपका एक वीडियो आ चुका है जो कि है पार्ट ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना। अगर आप उस एक वीडियो को कर लेते हैं तो आप जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच है सबको अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अपने 10 मार्क्स 10 क्वेश्चंस आप सेफ स्कोर कर सकते हैं, मान सकते हैं कि आपके एग्जाम के अंदर ठीक होंगे ही होंगे। तो ऐसी ये कंप्लीट सीरीज आपकी होगी जो कि कल से रेगुलरली आपको देखने को मिलेगी हमारे यूट्यूब चैनल मानेकशॉ ऑफिसर्स एकेडमी पे और हमारे टेलीग्राम चैनल मानेकशॉ ऑफिसर्स एकेडमी पे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है सर, होमवर्क। आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन जो मिले हैं, आपको वीडियो के एंडिंग में होमवर्क जो मिला है वो होमवर्क आपको करना है। ये आपका ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 3 आवर्स का होमवर्क होगा, इससे ज्यादा का नहीं होगा। 3 आवर्स ये 3 आवर्स के लेक्चर्स ऑलमोस्ट, अगर आप ये 6 से 8 घंटे के लिए पढ़ाई कर लेते हैं अगले 20 दिन में तो आपका एग्जाम क्लियर हो रहा है, बेशर्ते आप ये 8 घंटे बहुत अच्छे से दिल लगा के मेहनत करते हैं। तो अगर आप ये करेंगे तो आपका एग्जाम डेफिनेटली क्लियर हो रहा है। और इसके अलावा कुछ चीज हमें ध्यान में रखनी है, बिल्कुल मेहनत आपको करनी है, मेहनत हम भी आपके साथ मिलकर करेंगे, सिर्फ आपकी मेहनत नहीं रहेगी, मेहनत हमारी उतनी ही रहेगी और हम वो मेहनत करने के लिए तैयार हैं। हम मेहनत करने के लिए क्यों तैयार हैं, ताकि आपका रिजल्ट आ सके। मेहनत हमारी, आपकी और हमारी मिलके, और रिजल्ट तुम्हारा। लेकिन इस चीज के लिए यू हैव टू मेक श्योर कि आप भी उतनी मेहनत कर रहे हैं जितनी मानेकशॉ ऑफिसर्स एकेडमी की टीम आपके लिए करने को तैयार है। जो होमवर्क आपको मिल रहा है आप होमवर्क टाइम पे कर रहे हैं, जो टॉपिक्स आपको जिस दिन पढ़ाया गया उसी दिन आप उस टॉपिक को कवर करके कंप्लीटली खत्म करके आप अपने बेड पे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज का काम कल पे टाल रहे हैं, कल का काम परसों पे टाल रहे हैं, फिर तो एग्जाम ही आ जाएगा, चीजें टाइम पे खत्म नहीं हो पाएंगी। सो यू हैव टू कीप दीज पॉइंट्स इन योर माइंड। एंड फिर से रिमाइंडिंग अगेन, अगर आप एनडीए 2 या सीरियस 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हैं, जिनकी डिटेल्स आप नीचे कॉल करके हमसे ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।